चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या सुपर ह्यूमंस पॉसिबल हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो कैसे? सबसे पहले हम नजर डालेंगे उन सारी चीजों के ऊपर जो आगे चलकर एक पॉसिबल चीज बन पाएगी जिससे इंसान सुपर ह्यूमन बन पाएगा। सुपर ह्यूमन से मेरा मतलब है कि ऐसी एबिलिटी जो एक आम इंसान के पास नहीं होती। और सबसे पहली कोशिश जो अभी साकार होती हुई दिख रही है वो है एलन मस्क का न्यूरालिंक, मतलब एक ऐसी चिप। देखने में ये बहुत छोटी चीज लग रही है लेकिन इससे क्या क्या खुराफात हो सकती है आपको अंदाजा भी नहीं है। न्यूरालिंक में एक चिप को दिमाग में डाला जाएगा जिससे महज अपनी सोच से आप मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं और दिमागी तार कंप्यूटर से जुड़ जाएंगे। दिमाग और कंप्यूटर का एक मेल, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस भी एक ऐसी चीज है जो इंसान को सुपर ह्यूमन बना सकती है। सुपर ह्यूमन की कड़ी में एक अगली चीज है कि आपके सेंसेस बहुत ज्यादा तेज होने चाहिए। आंखों की जो देखने की शक्ति है, सुनने की जो आपकी शक्ति है, जो टच है, ये सारी चीजों को इस कदर टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ा दिया जाए एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा। आपने देखा होगा कि मार्वल में स्पाइडरमैन है जिसके सेंसेस हैं, यू नो, वो भांप लेता है बहुत जल्दी। ये सारी चीजें किसी दिमाग ने सोची है, किसी इंसान ने, स्टैनली ने, इन सब ने सोची है। मतलब इंसान ऐसी चीज सोच सकता है, जो इंसान सोच सकता है वो इंसान कर भी सकता है। तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी कि इंसान के सेंसेस को बढ़ा दिया जाए डीएनए इंजीनियरिंग या डीएनए एडिटिंग से। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एक्सोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन, आयरन मैन महज एक काल्पनिक कैरेक्टर नहीं है, अब वो सच्चाई भी हो रहा है। एक्सोस्केलेटन के बारे में मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को पैरालिसिस होता है उनके लिम्स, उनके हाथ पैर वगैरह काम नहीं करते, तो वहां पर मशीनी हाथ पैर लगा दिए जाते हैं। ऐसा सपोर्ट सिस्टम लगा दिया जाता है कि जो उनके जोड़ जो है काम नहीं कर रहे हैं उनको मशीनी हाथ से ऐसे हिलाया जाता है और वो करते हैं। और उसके साथ नॉर्मल इंसानों के हाथ पैर के अलग से कंपेयर करें तो उनके पास ज्यादा शक्ति होती है। अमेरिका खुफिया तौर पर ऐसी आर्मी बना रही है जो एक्सोस्केलेटन की आर्मी होगी। कमजोर से कमजोर सैनिक के ऊपर भी एक ऐसा एक्सोस्केलेटन यानी आयरन मैन जैसा दिखने वाला एक सूट पहना दिया जाएगा जिससे एक सैनिक कई 100 किलो वजन उठा पाएगा। आप सोच सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कीड़े भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिनका एक्सोस्केलेटन होता है। ऐसे कीड़ों के ऊपर अगर आप पैर रख के चढ़ भी जाओ तो उनको कुछ नहीं होता। नॉर्मल कीड़ों को अगर आप पैर से दबा दो तो वो मर जाते हैं, लेकिन जिन कीड़ों का एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब जिनकी हड्डियां, जिनके कवच शरीर के बाहर होती हैं, ऐसे कीड़े पैर लगाने से या उनके पर चढ़ने से भी वो नहीं मरते। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि आइडिया कहां से मेरा एक्सोस्केलेटन का। तो जी हां, एक्सोस्केलेटन की मदद से सुपर ह्यूमंस बनाए जा सकते हैं, सुपर सोल्जर्स बनाए जा सकते हैं। और ये बात आपको सिर्फ ऐसे ही लग रही होगी कि सेंसेस बढ़ा दिए, मशीनों का इस्तेमाल कर लिया या दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ दिया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टीफन हॉकिंग्स ने भी कहा था कि आगे चलकर सुपर ह्यूमंस हम पर राज करेंगे, और उन्होंने किस चीज को लेकर कहा था वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, जो कि इन सब चीजों में सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है डीएनए इंजीनियरिंग, डीएनए एडिटिंग, डीएनए मॉडिफिकेशन। मतलब बच्चे को पैदा होने से पहले ही आप डिसाइड कर दोगे कि वो बच्चा कैसा होगा, उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, उसका दिमाग कितना तेज होगा, उसके लिम्स कैसे होंगे, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसका शरीर, सब कुछ पहले से डिसाइड किया जा सकेगा। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि इंसान को पैदा होने से पहले ही हम अपने मन मुताबिक एक डिजाइन दे सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी डीएनए में डिफेक्ट्स को करेक्ट करने की। ऐसे डीएनए डिफेक्ट्स, कई लोगों में ऐसी कमियां होती हैं उनके डीएनए में जिसके कारण वो एक बीमारी के साथ पैदा होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक्स को एडिट किया जा सके, डीएनए को एडिट किया जा सके, तो उनकी वो बीमारी जो उनके खानदान से, उनके पहले पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है, उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन अब साइंटिस्ट इसको उसकी चरम सीमा पर ले जा रहे हैं और डीएनए इंजीनियरिंग, एडिटिंग, ये सारी चीजें हो रही हैं। इससे ऐसे इंसान बनाए जा सकते हैं जिनके पास वो पावर्स होंगी, वो सेंसेस होंगे, वो स्ट्रेंथ होगी जो नॉर्मल इंसानों के पास नहीं होती। ऐसा इंसान बनाया जाएगा जो कई 100 किलोमीटर दौड़ पाएगा, जिसकी मांसपेशियां थकेंगे ही नहीं। ऐसा इंसान बनाया जा सकेगा जिसका दिमाग आइंस्टाइन से भी तेज होगा। ऐसा इंसान जो किसी चीज को एक बार देख ले तो उसके पूरी जिंदगी याद रहे। ऐसा इंसान जिसके मस्तिष्क की, सोचने की शक्ति की कोई सीमा ही ना हो। ऐसा इंसान जिसकी स्ट्रेंथ की कोई सीमा ही ना हो, जिसके बोन की डेंसिटी इतनी ज्यादा हो कि वो 3-3 लोगों को एक हाथ से ही तोड़ के अलग कर दे। ऐसे इंसान बनाए जा सकते हैं। ये जो आपने कल्पनाएं देखी है ना, सुपर सोल्जर्स, कैप्टन अमेरिका, ये सारी रिसर्च, ये सब चीजें सिर्फ अब काल्पनिक नहीं है।
अगर आप थोड़ा ध्यान से आसपास अपनी दुनिया को देखेंगे तो आपको ये चीजें असली में होती हुई दिखेंगी। तो जी हां, सुपर ह्यूमंस होंगे और वो हमसे ज्यादा फास्ट होंगे, हमसे ज्यादा बुद्धिमान होंगे। वो कब होंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस दुनिया में सुपर ह्यूमंस आएंगे। आपको पता है ऐसे बहुत सारे लोग पहले से ही पैदा ही ऐसे हुए हैं कि उनके पास सुपर शक्ति है। एक ऐसा इंसान है जिसको कभी करंट नहीं लगता, एक ऐसा इंसान है जो इतना फ्लेक्सिबल है। आपने देखा होगा टीवी में भी काफी एपिसोड आते हैं और बताया जाता है कि लोग कुछ स्पेशल एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं। वो तो कुदरत की देन है, लेकिन कुदरत के साथ खिलवाड़ इंसान अब कर रहा है और सुपर ह्यूमंस जरूर होंगे और आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो इस दुनिया में क्या करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज में मैं आपको इथिकल हैकिंग सिखा दूंगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस करें और मेरा अगला टॉपिक क्या हो मुझे बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।